हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल दावते रसोई में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ झटपट बनने वाला भुना गोश्त, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। रेस्टोरेंट स्टाइल है, आप एक बार अगर घर पे बनाएंगे तो होटल वाला भूल जाएंगे। एक नंबर टेस्ट बना है, आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी, आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना। भुना गोश्त बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हमने। मैंने 1/2 kg मटन लिया है। मैंने मटन को अच्छे से कुक कर लिया है। जब मैंने बॉईल किया मटन को, तब बॉईल करते वक्त उसमें मैंने नमक डाला है स्वादानुसार, और 1 टीस्पून भर के मैंने ब्लैक पेपर लिया है, और 1 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने अच्छे से मटन को गला लिया है। बोनलेस मटन लिया है मैंने, और अच्छे से मटन को मैंने गला लिया है। अच्छे से मेरा मटन टेंडर हो गया है। अब मैंने मटन को उस पानी में ही मैंने मटन को अच्छे से सुखा लिया है। पानी मैंने रखा नहीं है। देखिए इस तरह से मेरी बोटियाँ कैसी ड्राई है, क्योंकि मैंने पानी को अंदर ही खुश्क कर लिया है। और मटन को ठंडा करके इस तरह से बोटी को मैंने दो दो तीन तीन पीस में ऐसे इस तरह से काट लिया है। ये देखिए, और मैंने इस तरह से इसको काट लिया है। ये हमारा रेडी है। अब लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, स्लिट की हुई 1 हरी मिर्च लिए है मैंने अपने तीखे के हिसाब से लिए। अगर आपको तीखा ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा लेना तीखा। और ये टमाटर लिया है मैंने, 1 बड़ा वाला टमाटर लिया है मैंने। बड़ा टमाटर को अच्छे से चॉप करके लिया है। एक बड़ा साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको भी अच्छे से चॉप किया है। हरा धनिया चॉप किया हुआ लिया है मैंने। और ये स्पाइसेस है जो हमें लगने वाले हैं। ये चिली फ्लेक्स लिया है, लाल मिर्चें जो कुटी हुई होती है वो लिए है मैंने 1/2 टीस्पून भर के लिया है। और ये मैंने 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि मैंने जब मटन बॉईल किया था तब मैंने नमक को ऐड किया था, इसके लिए मैंने वो हिसाब से नमक अभी इसमें कम लिया है। आप भी चेक करके नमक यूज करना। और ये मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। अब हम बताते हैं आपको कैसे बनाना है। मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है, उसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून जो जीरा लिए थे वो मैं इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा हम जीरे को भुनेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें इस तरह से खुला खुला करके डालना है, ये देखिए, ताकि अच्छे से हमारा प्याज खुला खुला हम डालेंगे तो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और प्याज को हमें थोड़ा सा भूनना है, मीडियम लो हमने रखी है गैस। अच्छे से इसे हमें भूनना है और सॉफ्ट करना है प्याज को। हमें लाल नहीं करना है या फिर ब्राउन नहीं करना है, इसको सॉफ्ट करके लेना है। झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करना, इसको आपको पसंद आएगी। कम मसालों में बनने वाली, झटपट बनने वाली टेस्टी रेसिपी है। देखिए हमारी प्याज कैसे अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे मिर्ची के साथ, जो मैंने मिर्ची भी ली थी। टमाटर को भी हमें इसे ही भूनना है लो फ्लेम पे और अच्छे से सॉफ्ट करना है। देखिए हमारा टोमेटो कैसे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, मैंने इसको भून लिया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, जो मैंने आपको बताना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। ये देखिए मैं इसमें ऐड करूंगी और इसको भी मैं इसके साथ भूनूंगी। आप वीडियो को एंड तक देखना, मिस नहीं करना।
क्या है, कभी कुछ भूल अगर जाते हैं तो उसमें हम बीच में अगर ऐड करके आपको बताते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे तो सही से बना सकेंगे इस तरह से। इसलिए आप ज़रा भी एक भी वीडियो मिस नहीं करना, एक भी स्टेप पूरी वीडियो एंड तक देखना स्टेप बाय स्टेप। ड्राई स्पाइसेस जो लिए थे हमने, ये देखिए, ये भी हम इसके साथ भुनेंगे। थोड़ा सा हम हरा धनिया भी ऐड करेंगे, ये देखिए। अब हम मटन को ऐड करेंगे। अब हम मटन को अच्छे से भूनेंगे और एक 2 से 3 मिनट तक इसको मैं ढक कर रखूंगी लो फ्लेम पे। अच्छे से मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं इसे ढककर रखूँगी। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हमारा भुना गोश्त रेडी हो गया है। अब हम इसे हरे धनिए से गार्निश करेंगे और फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। और ऑयल भी कैसे अच्छे से हमारे गोश्त ने कैसे छोड़ा है, देखिए साइड से, और कितना अच्छा सा तरस गया है, बहुत ही बेहतरीन बना है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए मैंने तवा मटन को, हमारा भुना गोश्त रेडी हो गया है। मैंने इसे सर्व किया है प्याज के लच्छे के साथ, पुदीना नींबू के साथ, पाव के साथ इसका बहुत बड़ा अच्छा मज़ा आता है। इसको आप रेस्टोरेंट वाला भूल जाएंगे, अगर एक बार घर पे बनाएंगे तो होटल का खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। और मिलते हैं एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।